पाकिस्तान की सियासत बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई है। इन दिनों पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी सियासी जंग के मोर्चे तब्दील कर दिए हैं। एक वक्त था जब इनकी हुकूमत खत्म की जा रही थी तो इन्होंने अपनी सियासी तोपों का रुख अमरीका की तरफ किया हुआ था। ऐसा कोई दिन नहीं था जब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान अपनी माजूली से पहले और बाद में अमरीका को मुजरिम करार देते हुए इनकी हुकूमत हटाने और इनके खिलाफ साजिश करने जैसे इल्जामात न लगाते रहे थे। ख्वाब वो सफारती खत हो या कोई टीवी टॉक शो, जलसा हो या इनका प्रेस बयान, बहरहाल अमेरिका ही गुनहगार पाए जाते थे और इमरान खान की हर ललकार अमेरिका के खिलाफ होती थी, जिस पर आवाम ने इनको लब्बैक कहते कहते इनके जलसों के अहाते अंदर और बाहर से खचा खच भर देते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पाकिस्तान की सियासत भी मजीद दिलचस्प होती गई और इमरान खान की जंग का किबला भी तब्दील हो गया। अब पाकिस्तान की मारूफ जमात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी हुकूमत के खिलाफ होने वाली साजिश और रेजिम चेंज का असल खिलाड़ी उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को करार दे दिया। ऐसा कोई दिन नहीं जो इमरान खान अपने बयानात में साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लबे जेब न करे और इनको असल गुनहगार साबित करने की कोशिश न करे। ये बिल्कुल भी नहीं कि ये जंग सिर्फ एक तरफा हो। अगर इमरान खान अपनी हुकूमत गंवाने का गुस्सा रिटायर्ड जनरल बाजवा पर निकाल रहे हैं तो दूसरी जानिब साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपनी कमर कस ली है और इमरान खान पर खूब बरस गरज रहे हैं। हाँ, मगर जनरल बाजवा का बरसना कुछ मुख्तलिफ है। इनकी तरफ से फायरिंग तो हो रही है मगर बिला वास्ता। जनरल बाजवा अपने साबिका कलीग्स, मौजूदा दोस्तों और सहाफियों से मुलाकातें कर रहे हैं। इन मुलाकातों में इमरान खान के इन पर लगाए गए इल्जामात का जवाब दे रहे हैं और इनका मौकिफ अखबारों में शाया किए जा रहे हैं, खासकर इमरान खान की नाअहलियत और इनके रिजीम में होने वाली बदउनवानियों अकरबा परवी पर बात करते रहते हैं, जिसका मतलब ले दे के ये हुआ कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि जनरल बाजवा के खिलाफ इनके पास बहुत सारा मवाद मौजूद है और जितना बोले हैं बस कम ही बोले हैं, और जितने बाजवा साहब के राज अब तक खोले हैं सिर्फ 10% ही खोले हैं। जब मैं बोलने पर आऊंगा तो बाजवा तो कहीं के नहीं रहेंगे। पर पाकिस्तान के लोग साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो और अल्ताफ हुसैन को भूल जाएंगे। दूसरी जानिब भी लफ्जों का बारूद बराबर आग उगल रहा है। जनरल बाजवा का कहना है कि इनके पास साबिक वजीर आजम इमरान खान के इतने राज मौजूद हैं कि नाअहल तो होंगे ही होंगे पर आवाम में भी इनकी साख मजरूह होगी और बुलंदियों से नीचे गिरने में देर नहीं लगेगी। जनरल बाजवा का कहना है कि अब तक वो जो बोले हैं कम ही बोले हैं, सिर्फ 5% ही बोले हैं और बहुत जल्द बहुत कुछ बाहर ला सकता है। मारूफ सहाफी एंकर पर्सन हामिद मीर का कहना है कि दोनों बड़ों में लगे इल्जामात की जंग कहां जाके रुकेगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर ये जरूर है कि दोनों के पास एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारा मवाद मौजूद है, जिसमें खुफिया रिकॉर्ड, खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, खुफिया वीडियोस और खुफिया दस्तावेजात शामिल हैं।